30 नवंबर साल 1989 न्यूयॉर्क के मैनहट्टन अपार्टमेंट के 12th फ्लोर पर रहने वाली लिंडा कॉर्टाइल की खिड़की से एक ब्लू लाइट बीम एंटर करती है जो उन्हें उठाकर खिड़की से बाहर की ओर ले जाने लगती है। लिंडा घबराकर जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए वहां मौजूद नहीं होता। और ठीक उसी समय रिचर्ड और डैन नाम के दो सिक्योरिटी गार्ड्स पास स्थित ईस्ट रिवर पर बने ब्रुकलिन ब्रिज से गुजर रहे थे। उनके साथ ही कार में जेवियर पेरेस दे क्वेलार भी मौजूद थे जो उस समय यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल थे। ब्रिज पर आकर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है और मजबूरन उन्हें कार से बाहर आना पड़ता है। और तभी उनकी नजर ऊपर हवा में उड़ती लिंडा कॉर्टाइल पर पड़ती है। उनके पीछे 3 विचित्र जीव भी उड़ रहे थे और वो लोग एक अजीब से स्पेसक्राफ्ट की ओर जा रहे थे। अगले ही पल वो स्पेसक्राफ्ट में एंटर हुए और वहां से गायब हो गए। उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और कोई सबूत न होने के कारण उन्होंने उस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया। Now point to be noted my audience, यहाँ 2 बंदे सिक्योरिटी गार्ड्स है और तीसरा यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी जनरल। अब खैर लिंडा का कहना था कि उन 3 जीवों ने उसे किडनैप किया था। वो उसे स्पेसक्राफ्ट में ले गए और फिर वो स्पेसक्राफ्ट तेजी से ईस्ट रिवर में समा गया। अब क्योंकि लिंडा ईस्ट रिवर के काफी करीब रहती थी तो वो लोकेशन पहचानने में कोई भूल नहीं कर सकती थी। वो स्पेसक्राफ्ट तेजी से नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था और लिंडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक स्पेसक्राफ्ट एक जगह रुकता है। लिंडा खिड़की से बाहर की ओर देखती है तो उन्हें बाहर चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा था जिसमें ढेर सारा गार्बेज और सॉफ्ट ड्रिंक्स के खाली कैंस तैर रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ और वो कहां गई लिंडा को कुछ भी याद नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने कमरे में ही थी। इस स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में लिंडा ने किसी से भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन उससे करीब 1.5 साल बाद रिचर्ड और डैन से शांत नहीं रह गया। वो अमेरिका के जाने माने UFO रिसर्चर बर्ड हॉपकिंस के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। जब हॉपकिंस ने लिंडा से इसके बारे में पूछा तो सारी स्टोरी दुनिया के सामने आ गई। अब सवाल उठता है कि क्या न्यूयॉर्क की ईस्ट रिवर के नीचे वाकई में एलियंस का कोई बेस मौजूद है। सिर्फ ईस्ट रिवर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई रिवर्स और ओशियंस में एलियंस के बेस होने की बातें कही जाती है। दुनिया भर से ऐसे हजारों दावे किए गए हैं जहां एलियंस ने लोगों को पकड़ा और उन्हें समुद्र की गहराइयों में ले गए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ अचंभे में डाल देने वाली घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइज, मैं कौशिक और चलिए आज हम अंतरिक्ष टीवी की सबमरीन में बैठकर पृथ्वी के समुद्रों में एलियंस की खोज करते हैं। दोस्तों, लिंडा कॉर्टाइल की स्टोरी में जब रिचर्ड और डैन की कार का इंजन खराब हुआ तो उन्होंने आसमान में एलियंस को देखा था। लेकिन अब मैं आपको जिस इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ वहां पर कार का इंजन खराब होना ही एलियन अबडक्शन का कारण बन गया। 3 जनवरी साल 1979 को फिलिबर्टो कार्डेनस नाम के एक इंसान अपने 3 दोस्तों के साथ कार से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी कार अचानक से खराब होती है और सभी बाहर निकलते हैं और ठीक उसी समय उन्हें आसमान में उड़ता एक UFO दिखाई देता है। पलक झपकते ही उस UFO में से एक तेज रोशनी निकलती है और फिलिबर्टो को अपने साथ UFO के अंदर खींच लेती है। अगले ही पल वो UFO वहां से गायब हो जाता है। फिलिबर्टो के दोस्त उसी समय पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट करते हैं और उन्हें खोजने की कोशिशें शुरू कर देती है। अपने अबडक्शन से करीब 2 घंटे बाद वहां से करीब 25 किलोमीटर दूर फिलिबर्टो एक सुनसान हाईवे पर बेहोश लेटे पाए जाते हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि पिछले 2 घंटों में उनके साथ क्या हुआ था। अब इसके कुछ महीनों बाद जब उन्हें हिप्नोटाइज करके उस दिन हुई घटनाओं को याद करने के लिए कहा गया तो फिलिबर्टो ने बताया कि वो एलियंस उन्हें UFO के अंदर ले गए थे। वहां उनके ऊपर कई सारे टेस्ट किए गए थे और फिर उन्होंने वहां मौजूद और भी लोगों से मुलाकात की थी। जी हाँ, सही सुना आपने, इन लोगों को भी दुनिया के अलग अलग कोनों से किडनैप किया गया था। फिलिबर्टो ने बताया कि वहां एक बड़ा हॉल था जहां ये सारे लोग पार्टी कर रहे थे। उनमें से एक इंसान ने फिलिबर्टो को बताया कि उसे कुछ दिनों पहले ही यहां पर लाया गया था और अब वो इन एलियंस के साथ ही यहां रहता है। UFO को घूम लेने के बाद फिलिबर्टो को एक छोटे UFO में बैठाया गया जो अपने आप ही चल रहा था। वो छोटा UFO तेजी से एक पानी के सोर्स की ओर गया और उसकी सरफेस को चीरता हुआ अंदर पहुंच गया। वो एक ग्लास टनल से होते हुए समुद्र के नीचे पहुंचे। फिलिबर्टो बताते हैं कि उन्होंने वहां पर एक विशाल काय हैंगर देखा था। आपको बता दूं कि हैंगर वो जगह होती है जहां पर बड़े बड़े एरोप्लेन्स को रखा जाता है। लेकिन आखिर पानी के नीचे वो हैंगर किसने बनाया और उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है।
दोस्तों 21 अक्टूबर साल 1978 को फ्रेडरिक वैलेंटिक नाम के एक ऑस्ट्रेलियन पायलट तास्मानिया के समुद्री किनारे से 232 किलोमीटर दूर बास स्ट्रेट में अपना एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। फ्रेडरिक काफी ट्रेन्ड पायलट थे और ये उनके लिए एक रूटीन फ्लाइट ही थी कि तभी फ्लाइट कंट्रोल रूम को फ्रेडरिक की ओर से एक रेडियो सिग्नल मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि उनके एयरक्राफ्ट से 300 मीटर ऊपर एक और एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। कुछ मिनट्स बाद वो दूसरा रेडियो सिग्नल भेजते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि वो कोई एयरक्राफ्ट नहीं है और ऐसा ऑब्जेक्ट उन्होंने उससे पहले कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद फ्रेडरिक बताते हैं कि उसमें से ग्रीन कलर की लाइट एमिट हो रही है। इतने में फ्लाइट कंट्रोल रूम को मेटल में स्क्रैच पड़ने जैसा साउंड आता है और फ्रेडरिक से उनका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। उस दिन के बाद से लेकर आज तक फ्रेडरिक वैलेंटिक को कभी भी नहीं ढूंढा जा सका। फ्रेडरिक की तलाश में सर्च टीम ने वहां का 2600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया छान मारा लेकिन उनका और उनके एयरक्राफ्ट का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फ्रेडरिक का एयरक्राफ्ट अपना संतुलन खो चुका था। उस दौरान शायद उन्होंने पास से किसी आइलैंड से आती ग्रीन लाइट देखी होगी और उन्हें पानी में उसका रिफ्लेक्शन देखकर लगा होगा मानो उनके ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेकिन यूएफोलॉजिस्ट इस एक्सप्लेनेशन से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि फ्रेडरिक के एयरक्राफ्ट के ऊपर उड़ता अननोन ऑब्जेक्ट यूएफओ ही था और एलियंस ने ही उन्हें अबडक्ट किया है। वो कहते हैं कि एलियंस उन्हें अपने साथ बैस स्ट्रेट के अंदर ले गए होंगे। अब आपको लगेगा कि भाई ये तो एकदम हवा में फेंकी जा रही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन वहां से कई लोकल रेसिडेंट्स ने बैस स्ट्रेट के ऊपर एक अननोन ऑब्जेक्ट को देखने का दावा किया था जो कि ग्रीन लाइट बीम्स एमिट कर रहा था। रॉय मैनिफोल्ड नाम के एक इंसान ने तो उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट की एक बहुत ही फेंट फोटोग्राफ भी खींची थी। जिस समय फ्रेडरिक वैलेंटिक के एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन खोया था उस समय के करीब कई लोगों ने दावा किया था कि उन्हें एयरक्राफ्ट के उड़ने की बेहद तेज आवाज आ रही थी लेकिन एक ही पल में वो आवाज थम गई थी। तो क्या फ्रेडरिक वैलेंटिक को सच में एलियंस ने अबडक्ट किया था? इस केस की इन्वेस्टिगेशन 40 साल से भी ज्यादा समय तक चली थी लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं ऑरलांडो जॉर्ज फेरोडे की। अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनस आयरस में रहने वाला ये फिशरमैन एक रात करीब 11:30 पर रियो दे ला प्लाता नदी के किनारे सुनसान इलाके में फिशिंग कर रहा था। तभी 7 फुट लंबा एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर उसके पीछे से उसे पकड़ता है और उसे अपने साथ एक यूएफओ में बिठा देता है। फेरोडे का कहना है कि वो यूएफओ नदी के अंदर चला गया और पानी के रास्ते उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में ले जाया गया। वो एलियन उसे वहां पर मौजूद एक जायंट अंडरवाटर डॉम में ले जाता है जो कुछ कुछ इग्लू की तरह लग रहा था। वहां मौजूद कुछ और एलियंस फेरोडे को बताते हैं कि वो इस जगह का यूज अपनी शिप्स को रिपेयर करने और रिफ्यूल करने के लिए करते हैं। फेरोडे को ये भी बताया जाता है कि एलियंस उस जगह पर पिछले हजारों सालों से इंसानों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो एलियंस फेरोडे से कहते हैं कि यूनिवर्स में रहने वाली दूसरी एलियन स्पीसीज पृथ्वी को एक जू की तरह मानती है जहां वो कभी भी आकर किसी पर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि आज धरती पर जितनी भी वैरायटी की स्पीसीज है वो सभी इन्हीं जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से ही डेवलप हुई है और इन सभी का ओरिजिन धरती पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर हुआ है। अब भाई फेरोडे सच बोल रहे थे या फिर झूठ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या एलियंस हजारों सालों तक धरती पर छिप कर रह सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारे ही ग्रह पर ओशियंस के नीचे रह रहे हो और हमें पता भी नहीं है? वेल, इसका जवाब बेशक हाँ है। हम इंसान स्पेस में तो दूर दूर की गैलेक्सीज को खोज रहे हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक के इतिहास में हम अपनी धरती के सिर्फ 5% ओशियंस को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। प्राचीन इजिप्शियंस पैपिरस बोट्स बनाकर ओशियंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया करते थे और आज भी हम ओशियंस को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एलेक्स टैन नाम के एक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डाला था जिसमें आप एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर की लाश को देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें काफी वायरल हुई और उसे एक एलियन लाइक क्रिएचर का नाम दिया गया। ये वीडियो दरअसल एलेक्स ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के बीच में शूट किया था जहां बीच पे वॉक करते दौरान ये अजीब सी डेड बॉडी दिखाई दी। अब इन इमेजेस को लेकर कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये डॉग है तो कुछ कहते हैं कि भाई ये तो कोई कंगारू की लाश है। बट यार ये असल में है क्या? चलो ये काफी हद तक कंगारू जैसा लगता भी है क्योंकि उनके पास भी 2 पैर और 2 हाथ होते हैं। बट जरा गौर से देखो, एक नॉर्मल कंगारू के पैर उनके हाथों से काफी ज्यादा तंदुरुस्त और बड़े होते हैं बट इस इमेज में जो क्रिएचर है उसके हाथ और पैर दोनों ही एक समान है।
तो क्या अब भी आपको लगता है कि ये कोई कंगारू है? दोस्तों अब तक तो किसी को भी पता नहीं चल पाया कि ये असल में है क्या और ये आया कहाँ से है। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये समुद्र किनारे समुद्र के अंदर से ही आया हो? हमारे प्राचीन ग्रंथों में ओशियंस के नीचे एक और दुनिया होने की बात कही गई है, लेकिन क्या आज हम उस दुनिया तक जा सकते हैं? वेल, एक पल को तो हम इंसान मार्स पर जा सकते हैं, दूसरे सोलर सिस्टम तक जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ओशियन की गहराइयों को एक्सप्लोर करना हमारे बस की बात नहीं है। जैसे जैसे हम ओशियंस के नीचे की ओर जाते हैं, लाइट का सोर्स कम होता जाता है और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि हमारे इक्विपमेंट्स इसे झेल ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि शायद एलियंस किसी दूसरे ग्रह पर बैठकर हम पर नजर रखते होंगे। हमें लगता है कि शायद वो कहीं कुईपर बेल्ट में छिपे होंगे, लेकिन धरती के ओशियंस उनके छिपने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है और इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। अब यार, पृथ्वी के समुद्रों के अंदर एलियंस हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब तो फिलहाल हमें और कोई नहीं बल्कि एलियंस ही दे सकते हैं। और हाँ, एलियंस से मेरा मतलब एलोन मस्क बिल्कुल भी नहीं है। नाउ जोक्स अपार्ट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, वीडियो के एंड में मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना कि क्या वाकई में हमारे समुद्रों के अंदर एलियंस रहते होंगे? आपकी क्या राय है, हाँ या नहीं, नीचे कमेंट में बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।